हुआ ये, मैं क्या हुआ, शादी नहीं करी आपके माँ बाप ने, वरना आज मतलब हम दोनों मियाँ बीबी होते नहीं होते क्या? कौन चाहेगा यार, वो भाई बहन बन गए वो तो, अब चाहेगा कौन? अंकल आंटी पिछले 30 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या है, है? जब देखो परेशान कर रखा आपने भी, ये अपने बच्चे को नहीं समझा सकते, उसने क्या जिंदगी खराब कर दी अचानक ही आके? बेकार की बातें ना। नहीं एक बात सुनो, ये कोई तरीका अपने बच्चे को समझा नहीं सकते थे क्या? तो अपने बच्चे को नहीं समझा सकते थे? नहीं, मैंने उसको खुली छूट दी हुई है। खुली छूट दी है, तू तो बड़ी खुली छूट में घूम रही थी। हाँ। नतीजा देखी क्या हुआ? हाँ, तो क्या हुआ ये, मैं क्या हुआ, शादी नहीं करी आपके माँ बाप ने, वरना आज मतलब हम दोनों मियाँ बीबी होते नहीं होते क्या? माँ बाप ने तो उसका नतीजा भुगतना। आप क्या नतीजा भुगतो के, मतलब कि आपने अपने बेटे को समझाते नहीं हो कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे? और क्या झगड़ा खत्म हो गया, वीडियो बनाएंगे क्या? बेटा बेटा करके बेटे को समझा नहीं सकते, ऊपर से चिल्लाए जा रहे, कोई तरीका है क्या? सारी गलती मेरे बेटे की, तेरी बेटी का कोई गलती नहीं है ना, तेरी गलती है। नहीं मेरी क्या गलती है, बताओ मेरी क्या गलती है इसमें? सारी गलती तुम्हारी है। आप लोग तमाशा बना रखा है आपने। मैंने तमाशा बना रखा और क्या? मेरे को ये बता दानिश, तुम ही समझाओ इनको। मैं क्या समझाऊं? और क्या लड़ाई कर रहे हैं, बस पता कोई तरीका है क्या? आप लोग का झगड़ा खत्म हुआ, करें वीडियो स्टार्ट। क्या झगड़ा यार बेफालतू, हम तो थोड़ा मुसीबत में फंस गया, मैं तो फंस गया सुबह से, पर तरीका नहीं है भाई। साला मेरा को आज बता दे, धोबी का कुत्ता ने घर का। नहीं तो एक बात सुनो, उस टाइम शादी कर ली होते तो सही नहीं रहता क्या? आज ये दिन देखने तो नहीं पड़ रहे होते? तो तेरी माँ बाप ने मना किया था? मेरे माँ बाप ने नहीं, आपके माँ बाप ने मना किया था कि बिहारी है नहीं करना, समझे? बिहारी के चक्कर में नहीं किए और क्या, आप पंजाबी थे, बिहारी के चक्कर में नहीं किए और क्या? बढ़िया है भाई। बिहारी इंसान नहीं होते, मुझे क्या पता, अपने माँ बाप से पूछते ना, मेरे से पूछ रहे हो, यही बात अपने माँ बाप को उस टाइम बोले होते ना, तब पता चलता ना। क्या करना, क्या आप क्या करना है, मुझे क्या पता क्या करना है, आप खुद दानिश बताओ तुम क्या करना है, ये कोई तरीका थोड़ी ना है जब लड़ाई करने लग गए। हल निकालो यार, मैं बड़ा परेशान हूँ, इस उम्र में साला मेरा बीपी बढ़ गया तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। बीपी बढ़ रहा है, इस टाइम बीपी बढ़ जाएगा, वैसे बीपी नहीं बढ़ता, अब बीपी बढ़ रहा है आपका है? भाई देखो सिंपल बात है, आप लोग ऐसे लड़ाई झगड़ा करोगे, मुझे खुद में बातें ऐसी करेंगे तो इनसे लड़ेगा नहीं कोई, नहीं लड़ेगा नहीं कोई इनसे। फालतू का दिमाग मत खराब, मेरा हाथ उड़ जाएगा। क्यों मारोगे? अच्छा अब मारोगे, अब मारोगे, अब ये दिन आ गए कि मारोगे भी है ना, बाजी अपने बेटे के चक्कर में मारोगे भी। तुम स्टार्ट करो। हाँ। यही दिखाएंगे लड़ाई झगड़ा, ही हम दिखाएंगे हम। नहीं नहीं तो एक बात सुनो, उनको समझाओ तो सही ना। देखिए ना, हम समझाने वाले हैं किसी को ना, ये मतलब इनके बिहाफ में हम बात करेंगे ना, आपके बिहाफ में बात करेंगे। नहीं हमने बुलाया ना आपको, वो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या दानिश तुम समझाओ, इनको समझाओ तुम। मेरे को क्या समझाओ, मैं क्या बेवकूफ हूं क्या? कैसे 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 क्या हुआ है, क्या बात हुआ है, स्टार्ट कर दिए। दोस्तों आज जो हमारे साथ ये जो बैठ आप देख रहे हो, ये कुत्ते बिल्ली की तरह ये लोग झगड़े कर रहे हैं, मतलब मैं इसके पीछे का एक रीजन बता रहा हूँ। ये लोग ना, कितना साल पुराना रिश्ता है जी आप लोगों का? 30 साल हो गए। 30 साल के टाइम का है? कितना साल, कितना 30 साल हो गए, 25-30 साल पुराना ये लोग का रिश्ता है। और मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे ना? शादी होने वाली थी, साल पुराना शादी होने को होने वाली थी, इनके माँ बाप ने नहीं किया, अब लड़ाई कर रहे हैं। और आज के टाइम इनके माँ बाप ने कहीं और शादी कर दी, मेरे माँ बाप ने कहीं और शादी कर दी। और आज के टाइम में हुआ क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका बेटा और इनकी बेटी आपस में फिर आज के टाइम में रिलेशन में है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये फंसा है कि ये लोग चाहते नहीं है कि भाई वो लोग शादी करें। कौन चाहेगा यार, वो भाई बहन बन गए वो तो, अब चाहेगा कौन? नहीं तो लड़ाई कर लो ना, नहीं चाहोगे तो बेटे को समझाओ ना, मैं अपने बेटे को समझाओ। एक बार अगर बता देते ना उन लोगों को तो ये नौबत बताते कहाँ से, पहले थोड़ी ना पता था मैं। कैसे चला, कब चला, कैसे क्या हुआ है, चीजें डीपली बताओ। 2 दिन पहले लड़के ने मेरे को कहा हाँ कि पापा पापा मेरे को लड़की से प्यार हो गया। अच्छा ठीक है। मैं बोला कहाँ की है, उसने बताया ऐसे ऐसे है। मैं बोला ठीक है, उसको मम्मी पापा का नंबर दे, मैं बात करता हूँ उसे। बोला उसके पापा नहीं है। अच्छा ठीक है, मम्मी है। बोला मम्मी का नंबर दे दे। मम्मी का नंबर दिया, नंबर जैसे देखा
मतलब ये तो इसका एमा का नंबर है ये। मतलब आपका पहले से बात बात होता था? बात चलता होता रहता था, बातचीत तो होती मतलब रहती आप है। आप लोग का मतलब था कि कनेक्शन में थे एक दूसरे? अब देखो बेटे के चक्कर में यहाँ लड़ने आ गए बस पार्क में। अब क्या बोलू, किस मुँह से मैं उसको बोलू, क्या समझाऊ उसको मैं? अब तुम ही समझा सकते हो, हम तो कैसे बोले, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। को कैसे पता चला ये बताएं कि आपकी बेटी बताए कैसे क्या हुआ? अरे बेटी ने ऐसे बोला तो मैंने पूछा था कहाँ पर क्या है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उसके पापा का नाम ये है रमेश करके। अच्छा। तो मैं उस वजह से फिर मैं चौंक गई कि मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं तो अपने माथे में हाथ लेके बैठ गई क्या करूँ मैं। देखिए परेशान हो गई। आप चाहते हो कि वो लोग शादी करें या ना करें? नहीं नहीं, ऐसे कैसे शादी करेंगे यार, कैसे तुम बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे शादी कर लेंगे बताओ। हमारे रिश्ते को देखते हुए वो तो भाई बहन बने ना। हाँ। अब उनको हम कुछ क्लियर बोल नहीं तो तुम ही एक बात सुनो तो ये ऐसे लड़ाई कर रहे मत पूछो, तुम ही समझाओ इनको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो खुद परेशान हो गई, मैं तो खुद रो रही हूँ मरते मार रही हूँ क्या हो गया क्या नहीं, सारी जिंदगी मतलब ऐसे ही दुखी रही हूँ। और अब देखो तो औलाद की वजह से अब दुखी आगे दुखी रहना पड़ेगा और क्या, वैसे ही जब शादी नहीं करी कि मतलब कि समझ में आ चुका होगा यहाँ पे क्या है ये लोगों का। आप एक काम कीजिए, आप अपने बेटा को बुलाइए और आप अपनी बेटी को यहाँ बुलाइए, ठीक है? देखिए दोनों को बताया जाए, एक बार समझाया जाए कि भाई नहीं समझाओ, हम तो खुद परेशान परेशान बात कर रहे हो। आप लोग मिले नहीं तो फिर उन लोग को भी मिलने देते यार, ठीक है? जो भी चीज है जिस भी तरीके से हो एक बार बात करने की कोशिश करते बच्चों के सामने हमारी तो बिल्कुल एक बार समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई भाई रीजन तो बताओ उन लोगों को कि भाई उन लोग भाई अलग होना है तो क्यों अलग होना है, रीजन तो बताओ। रीजन कैसे बताएं, शर्म आती है क्या? बताना पड़ेगा ना, तो अलग करवा दो फिर, ऐसे ही दोनों को कैसे अलग करवाओगे? आप अपने बेटे को फोन करो और आप बेटी को फोन करके यहाँ बुलाओ, जो भी चीज होगा जैसे भी होगा सारा चीज मैं रिकॉर्ड करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। बेटा आ गया, बेटा तो आ गया, आ गए, बेटी भी आ गई, दोनों आ गए, दोनों साथ में, एक के साथ आ रहे दोनों। कैसे हो बेटा? ठीक है, आप ठीक हो? आप ठीक हो? नमस्ते पापा, अचानक से बुला लिया यहाँ पे, कैसे हो भाई? हाँ बेटा कुछ काम था जी। दानिश, ये दानिश, दानिश सो बुलाया हूँ मैंने। दानिश पापा इनको क्यों मतलब कुछ बात है बेटा, बात करनी है, कुछ बात करनी थी आप लोग से, दोनों से बात करनी थी, अचानक से एकदम फोन कर दिया, मतलब मैं तभी मैंने इनको कॉल करके हम सीधा किसी था यहाँ पे आ गए। नहीं वो बात सही है लेकिन बात करनी थी थोड़ा, आ जाओ बैठो तुम लोग, आओ बैठो दानिश, तुम बात करना थोड़ा इनसे, बैठो बैठो दानिश, बैठो यार तुम भी बैठो, बैठो क्या बात करे, अरे बैठो ना, अरे बैठो तो सही यार। पापा क्या हुआ? तुम भी बीपी मेरा और बढ़ा रहे हो। मम्मा क्या हुआ? पापा अरे बात करने है, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, क्यों परेशान क्यों हो रहा, कर रहे हैं। पापा तुमने कुछ लड़ाई तो नहीं की? सबर तो कर लो मां, सबर कर लो, रुक तो जाओ, अभी बात करने को बोल रहे हैं ना हम, खुद बात बोल रहे हैं, बहुत शंका हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग, वही तो सोच रहा हूँ कि आप नहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अभी दानिश को बुलाया है वो तुम्हें समझाएगा सब, हम खुद इतने परेशान हैं दो चार दिन से जब से आप लोग ने बताया, हम खुद अपने माथे पे हाथ रख रहे हैं। ऐसे परेशानी वाली क्या बात है? अरे यार समझ में नहीं आती कोई बात, बोलना छांटो के बैठा रहे, बैठो तो सही, अभी बता रहे हैं क्या बात है क्या नहीं बात है, किया जा रहा मेरे को, एक तो आदमी चला ऐसे परेशान है, पर तुम लोग और से परेशान कर दो। दानिश बोलो यार, बोलो कुछ करो यार। मैं बात क्या बात है, कुछ करो यार, मैं कुछ हुआ है क्या, कुछ पापा ने बोला है क्या? दानिश थोड़ा बात कर लो तुम्हें, हम तो बोल नहीं पा रहे, कैसे क्या बात करें यार, तुम्हें बुलाया किस लिए, तुम्हें बुलाया किस लिए? एक मिनट सुनिएगा आप लोग, थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा, कैसे क्या बात करें मां, क्या कैसे बात करें बताइए, एक मिनट आप लोग वहीं पे रुकिएगा, क्या बात करें क्या? बताओ ना उनको, बताओ तो सही, हम कैसे बताएंगे बोलो, रिश्ते में मतलब रिलेशन में जो भी हम हमारे मुंह से कैसे निकलेगा ये सब, हमें शर्म आती है बच्चों से बोलने में, हम कैसे बोलेंगे बताओ, बच्चे हैं वो, उनके सामने तुम अपना उसको डायरेक्ट बोलो, थोड़ा घुमा फिरा के बात को बोलो, उसको घुमा फिरा के बोलोगे तो कुछ मतलब मतलब सॉल्यूशन, यार इतने पुराने खिलाड़ी हो गए तुम भी, एक बात सुनो, उन दोनों की शादी हम कैसे करा सकते हैं, खुद सोचो। मैं बात करता हूँ,
यही चीज़ तो मुझे बोल दो सीधा, मतलब इसके ऐसे ऐसे। अरे थोड़ा घुमा फिरा के बोल दो, जैसे कि बात उनको कंफर्म हो कि शादी नहीं करानी है ना। नहीं, भाई बहन है यार, लगते हैं लोग। कैसे कराओगे? देखा जाए तो हम रिलेशन में ही है ना इतने सालों से, तो यहीं पे खड़े रहो, देखते हैं। अरे आप भी तो साथ में रहो फिर, ऐसा साथ में यार दिमाग खराब हो रहा। क्या हुआ? अच्छा पापा क्या होगा, कुछ बताओगे? बता रहे ना, वो बता रहे हैं क्या बात हो रही, बता रहे हैं। बहुत ज्यादा टेंशन हो गई मुझको। आप लोग एक दूसरे को जानते हो कितने दिन से? हम लोग तो 3 साल से साथ में, हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, बात करते हैं। और ये पापा को मैंने बात बता रखी है। कब बताई? अभी जल्द, कुछ 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन जब से मैंने बताया तब से तो मेरा नींद हो रहा था। पहले बताते ना, पहले क्यों नहीं बताए थे? पहले मतलब मैं हाँ नहीं कर रही थी ना शादी के लिए, इसलिए थोड़ा। जब इन्होंने अपनी मम्मी को फोर्स किया वो मानी, तब हमने बताया। नहीं, मान गई अब शादी? नहीं नहीं, मैंने नहीं माना। हाँ ये कि जब इसने बताया ना, ये नहीं पता था कि मतलब इसके पापा का नाम रमेश है करके, मतलब ये नहीं पता था पापा का नाम रमेश है। तो मतलब इससे क्या कुछ नहीं कुछ दिक्कत है कैसे, मतलब नाम से? ये वजह थी और कुछ नहीं, हम मुझे नहीं पता था ना। पापा का नाम रमेश है तो मैं बात पापा, क्या बात है, ये क्या हुआ भाई? मैं बात कर रहा हूँ दोस्त। देख मेरा नाम ना दानिश है, ठीक है? और वो लोग ना वहाँ पे कैमरा लगवा रखे हैं, ठीक है? मैं यूट्यूबर हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। आज ये लोग मेरे पास आए और बताएं कि ऐसा ऐसा चीज़ है कि ये प्रॉब्लम हो चुका है। बात क्या है ना कि बोल दें, बोलो यार, हुआ क्या है बताओ ना, वैसे क्यों छुपा रहे हो पापा? हुआ क्या है, क्लियर करो यार, क्या हुआ है बताओगे आप कुछ? इतना टेंशन मैं नहीं ले सकता, हो सकता मैं इतनी टेंशन मेरे को कुछ हो ना जाए। अरे पापा जो बात है जल्दी बताओगे आप? मम्मा आप रो क्यों रही हो? क्यों, क्या हुआ? अरे ये लोग हुआ क्या आखिर, प्लीज कुछ बताओ ना। क्या हुआ? सुनो भाई बात बता रहे आप, मुझे जो भी बात है ना आप मुझे सच सच बताओ। बात क्या, अब हमसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, बिल्कुल भी हम वेट नहीं कर पा रहे। आप जो बात है आप बताओ हमें, क्या बात है? अंडे जी मतलब देखिए, रोइए मत, रोने से क्या हो जाएगा मुझे ये बताइए, रोने से क्या होगा? इन लोग को बताओ, इनको समझाओ ना, मतलब इनको समझाओ ना। नहीं कोई बात नहीं है, पापा ने कुछ बोला है क्या तुम्हें? अरे मैं बात कर रहा हूँ, पापा ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला, बैठो मैं बता रहा हूँ क्या बात है। यहाँ पे आइए, रोइए मत, एकदम हिम्मत रखिए, मैं हूँ ना, मैं साथ दूंगा, इधर आइए। पापा आपने कुछ बोला है क्या आंटी को? नहीं नहीं पापा ने कुछ नहीं बोला। बात तो करो यार, कोई बताएगा, कोई बताएगा हुआ क्या है, कोई बताएगा कुछ? क्यों इतनी टेंशन दे के रखी है हम लोगों को? दानिश भाई बात क्या है बताओगे कुछ? जी मैं बता रहा हूँ, इधर आइए सुनिए पूरी बात। बात क्या है ना कि दानिश भाई जो बात है अब साफ साफ बता दो ना, हमसे सब्र नहीं हो रहा बिल्कुल। बताना तो पड़ेगा ही बच्चों, बताओ यार, बताओ, बात क्लियर करो या खत्म करो, क्या करें बताना। अंकल आंटी पिछले 30 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या कब, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये पूछ लो पापा क्या कह रहे हैं ये? सर ये सही बोल रहे हैं, सही कह रहा है, इसलिए ये नहीं चाहते कि तुम लोग शादी करो। सही बोल रहे हैं, और तुम लोग तो ये चीज रिश्ता कॉलेज टाइम से है, हम एक दूसरे को जानते हैं। अब क्या बात कर रहे हैं आप? ये सही बोल रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ? पहले क्यों नहीं बताया आपने? पहले 3 साल से साथ में है पापा, तो हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता, हमें जब पता चला तो हमने, हमें नहीं पता था ना। आपके चक्कर में अपना प्यार छोड़ दें, है? आप दोनों के चक्कर में अपने प्यार को कुर्बान कर, छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। पापा बस एक बात सुनो, तो छोड़ना पड़ेगा, समझाओ मम्मी को अपनी, इससे शादी नहीं करनी। तूने नहीं मम्मा, मैं इसकी बिना नहीं रह सकती। आप नहीं, एक बात सुनो, इससे शादी नहीं करनी। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं बता रही हूँ, मैं इसलिए बुलाई हूँ यहाँ पर, इसलिए बुलाई हूँ, ठीक है? मम्मा सुनो, उसने बोला था कि तुम अपनी मर्जी से शादी कर सकती हो, कर सकते हैं, लेकिन कोई और लड़का होता तो कर देती ना। मम्मा मैं प्यार ही करती, मैं किसी और से शादी क्यों करूँ? मैं मारूंगी खींच के, बात मान ले। जब हम दोनों रिलेशन में, तुम दोनों भाई बहन नहीं हुए? पापा तुम रिलेशन में कहाँ से हो गए? तो हम आज भी बात करते हैं, एक दूसरे से रिलेशन में हैं हम। अभी तुमने हमें बताया ये सब चीजें? अरे ये बातें तो अभी 3 दिन पहले खुली हैं। ऐसे कैसे बच्चों को कोई बता देगा? हमें नहीं पता था, तुम तो जानते थे, तुम तो हमें बता सकते थे। ऐसे कैसे बता देंगे तुम्हें? दानिश भाई क्या बात कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को भाई, लोग एक दूसरे को सच्चा प्यार कर सकते हो भाई? सच्चा प्यार है या झूठा प्यार, अगर तुम लोग कर सकते हो एक दूसरे से तो फिर कर लो।
बात यही है कि तानिश भाई मेरी नहीं करनी चाहती तूने, मुझे करनी है बस, नहीं मैं मारूंगा तुझे। पापा दिमाग खराब कर का है यार, पापा मुझे नहीं पता है आप पापा नहीं, मैं बोल रहा हूं मैं भाई बहन दोनों शादी करोगे? अरे हाँ बाबा हम करेंगे, आप दिमाग खराब कर रहे हो, छुपाए ना हमसे, इसलिए तो वहाँ पे कैमरा वैमरा लगा कर रखे अंकल जी, ऐसे झगड़ा झुगड़ी मत कीजिए। क्या झगड़ा नहीं करो यार, नहीं करना, चल घर पे चल, नहीं इससे कभी नहीं मिलेगी तुम, नहीं मिलेगी तुम, मुझे बस करना है। कैसे पापा, हम लोग साथ में खाते हैं पीते हैं, साथ रहते हैं, मूवी देखते हैं, पापा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ उसको एक मिनट में? छोड़ना पड़ेगा तो साथ में, तो ये भी शादी नहीं करोगे तुम, छोड़ दो शादी नहीं करोगे, छोड़ना पड़ेगा, शादी करनी है बस, नहीं शादी नहीं करनी तुमने, मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे बहस मत करो, एक बात सुना, हमें दुख देके तुम सुखी रह जाएगी? नहीं नहीं, हमें दुख देके तुम सुखी रह जाएगी? तो इसका मतलब मेरे प्यार की कोई कदर नहीं है? नहीं, हमारे 30 साल के प्यार की कदर नहीं कर रही तुम, भाई बहन के हो रिश्ते, थोड़ा सा शांत रहो, मम्मी है यार, किस क्या बहस करे जा रही हो तुम लोग? मैं क्या बहस कर रही हूँ, मम्मी ने उस दिन बोला था, दानिश तुम समझाओ यार, मेरे बस में नहीं है समझाना, मैं कैसे रह सकते हैं, समझ ही नहीं रहा कुछ, ये हम लोग क्या इनके बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ये तो ऐसे ही है। बैठ जा पापा, ये सब क्या कर रहे हैं पापा आप, बैठ जा चुप, हमारी खुशी मार रहे हैं पापा अपने चक्कर में, तुम्हारी खुशी मार रहा हूँ, तो आप लोगों ने क्यों नहीं की शादी से बताइए आप, बोलिए, इनके घर वाले नहीं माने, राजी हुए तो आज नहीं माने तो आप मना सकती थी ना, तो पुरानी बात है, उखेड़ रहे, कुछ मिलेगा तुम्हें, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा भाई, यही चीज है कि भाई तुम लोग को शादी नहीं सहूलियत मिलेगा शादी का, नहीं पापा आप अपनी वजह से हमें क्यों सजा दे रहे हैं, आपने क्यों नहीं की, आप अपनी बताओ ना, मैं आपने क्यों नहीं किया, आप क्यों अलग अलग थे? इनके घर वाले नहीं माने, क्यों नहीं माने, तुमने मनाया, मनाया भाई, अदर कास्ट के चक्कर में नहीं कर रहे, नहीं माने वो, अदर कास्ट करके नहीं किया उन्होंने, नहीं मान रही हो ना मेरी शादी के लिए, एक बात सुनो, तुम भाई बहन लगते हो रिश्ते में, वैसे मैं मना नहीं करती, तुम चुपचाप बैठ जा, चुपचाप बैठ जा, नहीं मारूंगी खींच के, निकाल दोगे मम्मा, तुम नहीं समझ रही हो पापा, आप घर से हाँ, इसको लेके कहाँ जा रहा है, पाल पोस्ट करते, इसलिए तो लोग बड़ा किया था, इसको लेके कहाँ जा रहा है, बाहर निकाल दूं मैं, हैं ये दिन दिखाने के लिए, अरे नहीं अंकल, मैं तो घर से बाहर निकालूं, क्या बोल रहा है तू, समझ में आ रही तू क्या बोल रहा तू, अरे अंकल छोड़ दो, मार क्यों रहे हो, मारने से क्या होगा, आज मेरे को बोला मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा, मारो मत ना, अरे मारो मत ना, क्या फायदा बात को बढ़ा रहे हो तुम लोग, कोई बात समझते नहीं है कुछ नहीं, पापा आपको जो करना है कर लो, लेकिन हम शादी करके रहेंगे, आप दोनों ने जो किया है ना अब वो नहीं करेंगे, अलग नहीं होंगे आपकी वजह से, आपकी गलती की सजा हमें नहीं मिलेगी भाई, ऐसे करोगे तुम, क्या मिलेगी हैं, ऐसे करोगे अलग हो गए, नहीं हमें परेशान करके तुम सुखी रह लोगे, चाहा था इनके माँ बाप को मनाना, अगर आप चाहते तो हो सकता था ना, अरे बेटा वो पुराने जमाने का है, वो नहीं माने बाप को, आज का जमाना अलग है, पहले का जमाना अलग था भाई, हम लोग अपने माँ बाप के आगे इतना नहीं बोलते थे जितना तुम लोग बोल रहे हो, पर आप ठीक है, इतना मेरी बात मान ली, आज बोल तो रही हूँ, इतना और कोई लड़का होता तो मैं कर दे, सबको पता चला भांडा फूटा, तो इसका मतलब आप लोगों की गलती की सजा हमें मिलेगी, पहले बता देते तो नहीं होता कुछ, यार फंसवाओगे तुम फालतू में तुम लोग, अरे क्या बात कर, नहीं कुछ भी नहीं होगा, ये तो ये मानो तो एक दोस्ती वाली बात है, कैसे क्या हुआ था एक बार एक्सप्लेन करो चीजें, चलो ठीक है बताता हूँ, पहली बात तो है कि आज मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज लूँ, सरप्राइज होने की वजह यह है कि आज मुझे पता चला है कि मेरे पापा की गर्लफ्रेंड है और आज भी कॉल करती है, मतलब पहले लगातार 4 से 5 कॉल रोज आती थी उनके, टेक्स्ट मैसेज भी आते थे, तो मतलब ये मैंने सोचा कि पता नहीं कौन है कौन नहीं है, तो फिर एक दिन मैंने उनको कॉल किया था, कॉल करने के बाद फिर मुझे जब जाके मुझे पता चला कि ये पापा की गर्लफ्रेंड है और ये ऐसे ऐसे मैसेज करती है, उनको खाना खाया नहीं खाया, फिर अचानक से उनसे बातचीत हुई, तो अब फिर ये उनकी बेटी है, तो फिर इनको मैंने राज़ी किया, इनको मनाया कि ऐसे ऐसे बात है और ये मेरे पापा को कॉल करती है, तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं कि अब हुआ क्या था कि मम्मी भी डेथ कर चुकी थी कुछ साल पहले और इनके पापा भी डेथ कर चुके थे, तो हमने हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ये अच्छा मौका है कि अधूरे प्यार को मिलाया जाए, ठीक है, और फिर से उनको एक अच्छी खुशी लाइफ दी जाए,
तो हमने सोचा इसीलिए हमने बुलाया आपको। और प्लीज 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 मना मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ये काम करने में तुम परफेक्ट हो और ये काम तुम एकदम कर दोगे, चुटकियों में कर दोगे। तो प्लीज मना मत करना इस काम में। मैं कैसे बताऊं यार, कुछ भी कुछ प्लीज ना देखो भाई, कुछ भी होगा तो संभाल लेना। बिल्कुल ठीक है, मैं अपने तरीके से कोशिश करूंगा कि उनसे मिल के उनके अंदर का कुछ निकालूं। ठीक है, तो जो भी चीज है वहाँ पे ना आप हमें जानते, हाँ, ना हम तुम्हें जानते, आप हमारे लिए अंजान, हम आपके लिए अंजान। मजा आएगा ना, मजा आएगा है ना। तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं? नो, पक्का ना? बिल्कुल। इसकी मम्मी इसके पापा, यस, दोनों सेटिंग करने वाले हैं आज फाइनली, मतलब फाइनल उन लोग का रिश्ता कबूल होने वाला है। जो भी चीज होगा मजा आएगा यार, पक्का करें। पापा ये जो दानिश भाई है ना, पता है कौन है? मेरे को मत फंसाओ, मेरे को मत फंसाओ फालतू का। यहाँ इधर। अरे ये दानिश भाई ने तो हमें बोला था कि तुम्हारी सच्चाई है मैं सामने लाऊंगा, और इन्होंने हमें पूरी हेल्प की है सब कुछ करने में। पता है पापा, जब हमें पता चला ना इनका नाम क्या है, आंटी का नाम बोलो क्या है? हाँ हेमा। हाँ हेमा। तो जब मुझे पता था कि हेमा है, फिर इन्होंने पूछा कि क्या है रमेश है, तो फिर हमने पता किया। भाई देखो अंकल जी, जो बात है ना, नहीं तुम्हें जब पता था तुम तो मेरे को बता सकते थे। अगर बता देते ना तो ये बेटा बेटी जो इतना जो आपके अंदर जो खुन्नस से कहाँ से निकलता है ये सब चीजों का? ये 30 साल की भड़ास कभी खत्म नहीं हो पाती। पापा भले ही तुम अलग हो, लेकिन प्यार तो एक दूसरे से आज भी करते हो ना। बिल्कुल, जितना प्यार दिखा है भाई, मेरे भाई प्यार दिखा है, एक एक चीज में प्यार झलका है लोगों का। एक बात बताओ पापा, हाँ तुम्हें क्या लग रहा है कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? अरे पापा और क्या, हम दोनों आपके बेटा बेटी हैं। हाँ। समझ लो, नहीं समझे? और वो तो वो ही हो तुम दोनों। तो ये क्या था, मतलब ये क्या था, ये सब क्या था? ये था ऐसा कि इन लोगों का कहना ये है कि ये ऐसे हो जाओ, शादी कर लो। हाँ। जो हुआ सो हुआ, जो बात गई खत्म। नहीं समझे? अब इस उम्र में क्या शादी करेंगे? इस उम्र में तो फिर आप शादी करवा दो, तो फिर करवा दो, फिर इन लोग का शादी करो, या फिर हम कर लेते हैं। हाँ देख लो, अच्छा मजाक, अच्छा मजाक क्या बना रहे हो? पापा सुनो, पापा पापा हमारी का भाई, जिंदगी ये एक इंसान के पास एक है या दो है? जो 30 सालों से आपको अगले जन्म में शादी करनी है फिर? हाँ अगले जन्म देख रखे हो कैसा होगा, तुम कैसे कहाँ पे रहोगे आप लोग? तो ये सब क्या था? कुछ नहीं था, मजाक था बस। यू देखिए कि बस कैमरा जो आप लोग लगा रखे थे, आप लोगों से पहले भी इन लोग से बात हो रखा था, तीनों मिलके हमारे साथ ना ड्रामा कर रहे थे हम दोनों को मिलाने के लिए। हाँ। भाई इनका जो प्यार है ना वो बहुत क्यूटनेस के साथ इनका प्यार झलका है, और इनका प्यार तो ऐसे ही भाई गुस्सा के रूप में झलक रहा है। पापा इस 30 साल के प्यार को ना फिर से अधूरा मत छोड़ो, एक हो जाओ पापा। क्या बोल रहे हो पापा? प्लीज बोलना उलना कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोलना है, सब तुम दोनों को चलना है, और एक घर में रहेंगे हम लोग, साथ रहेंगे हम लोग, ऐसे ही हमारी मम्मी और आप हमारे पापा। चल 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 चले चल चले बोले कुछ नहीं, वीडियो अपलोड कर दे। हाँ कर लो, कर दे पक्का पक्का यार, इतनी तुम जैसे बच्चे सबके हो तो फिर बात ही क्या है, सबको पता चल जाएगा फिर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पता चलने दो पक्का। हाँ हाँ चलो ठीक है। जो कोई भाई आंटी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत मेरी कोई दिक्कत नहीं। जो गलती आपके पापा मम्मी किए हैं वो गलती को सुधारिए और रिश्ता को आगे बढ़ाइए। ठीक है? ठीक पक्का ना? पक्का पक्का। और दोनों कोई एक रहिए, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे है ना। अरे वाह कितने प्यारे लग रहे हैं ना, एक फोटो ले लें दोस्तों। इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैला दे, शेयर कर दे। आई होप ये वीडियो में आपको मजा आया होगा, और ये जो क्यूट रिलेशन जो आपको देखने को मिला है ना भाई, अभी भी आंटी ना इनका ना आंसू निकलते रहता है। कैसी मम्मी है यार अंदू मम्मी तुम्हारी? मम्मा प्लीज रोना बंद करो, अब तो आप एक हो गए हो। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दे इस अंकल आंटी के लिए, और दुआ दे कि अंकल आंटी जितना दिन जिए अच्छे से जिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।